अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है एक गैस पर, और दूसरे पर मैंने सब्ज़ी को गर्म करने रख दिया है जो कि मैंने बनाई थी रात में, अरवी की सब्ज़ी। और एक साइड पर मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। अभी इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया है ताकि ये अच्छा हो जाए और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए ये। तो अभी मैंने पानी भरने लगी हूँ, जितनी भी बॉटल्स खाली हो गई थी तो मैं पानी भर के रखने लगी हूँ फ्रिज में। रात में बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है मुझे, तो बॉटल्स खाली हो जाती हैं काफ़ी सारी, तो मैं मॉर्निंग में भर देती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कुछ काम कर रही हूँ किचन में, टाइम मिल जाता है तभी फ़ौरन से भर के रख देती हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना था। तो मैं रोटियाँ बना रही थी, आटे को भी रेस्ट दे दिया था तो आटा भी अच्छा हो गया था, रोटियाँ भी अच्छी आ रही थी काफ़ी। 2 से 3 रोटियां मुझे बनानी थी लंच बॉक्स के लिए, वो रोटियां मैंने बना ली थी। उसके बाद में मैंने बनाए थे पराठे, 2 से 3 पराठे मैंने बनाए थे नाश्ते के लिए। और ये लंच बॉक्स मैंने निकाल लिया है जो कि अच्छे से मैं रात में ही वॉश करके रख देती हूँ तो ये ड्राई हो जाता है। और इसमें फिर मैंने सब्ज़ी निकाली है अरवी की, जो कि मैंने अच्छे से गर्म कर दी थी ताकि गर्मी जैसे कि पड़ रही है अभी तो सब्ज़ी ख़राब ना हो। और लंच बॉक्स ऑलमोस्ट हो गया है पैक। उसके बाद में मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें मैंने जैसे कि मैंने बताया था पराठे बनाए थे तो फिर मैंने पराठे ले लिए हैं। और एक ये रोटी रखी हुई थी उसी को मैंने घी लगाकर पराठा बनाया था। और ये खजूर वाला दूध है जो कि मैंने अच्छे से बॉईल किया था, और इसमें शुगर ऐड नहीं करनी होती है। खजूर से काफ़ी मीठा इसमें हो जाता है तो शुगर ऐड नहीं करनी होती है, तो और काफ़ी टेस्टी भी लगता है खजूर वाला दूध। और उसके बाद में जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे वो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और मेरा बेटा जा चुका था पारा पढ़ने के लिए, कला में पाक पढ़ने के लिए। और ये एक भगोना रखा हुआ था बड़ा, जिसे कि मैं फ़िल्टर के पाइप के नीचे लगा के रखती हूँ। उस वेस्टेज जो पानी निकलता है जितना भी, वो मैं कूलर में डालते जाती हूँ, तो ये गंदा हो गया था तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। उसके बाद गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, स्टील वूल से अच्छे से साफ़ कर लिया है, और टाइल्स को भी अच्छे साफ़ कर लिया है। इसके लिए मैं वूल अलग रखती हूँ, बर्तन वाला वूल नहीं यूज़ करती हूँ, उस वूल को मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ टॉप काउंटर क्लीन करने के लिए, और गैस वगैरह टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए उसे नीचे अलग रखती हूँ मैं उस वाले वूल को, स्टील वूल को। और बर्तन के लिए मेरा अलग वूल रहता है। और ये मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, मैंने जिस कपड़े से टाइल्स वगैरह साफ़ की थी उसे भी अच्छे से वॉश करके रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में भी काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई हो जाती हैं मॉर्निंग के टाइम, तो मैंने उन सबको समेट कर रख दिया है और अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ बेड। मॉर्निंग में काफ़ी डस्ट आ जाती है बेड पर, और कम से कम 2 बार मुझे दिन में डस्टिंग करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बराबर में घर वगैरह बन रहे हैं, उनका काम चल रहा था तो काफ़ी डस्ट आ रही थी साइड से, और अभी तक भी वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है अभी, तो डस्टिंग काफ़ी करनी पड़ती है डेली, इतनी डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा। मिरर को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे बेटे का होता है, उसको मिरर पे हाथ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मिरर को कभी क्लीन नहीं रहने देता है, तो इसलिए मुझे मिरर भी 2 टाइम प्रॉपर क्लीन करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मिरर पे अगर स्पॉट्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ये उसने, मेरे बेटे ने पज़ल यहाँ पर सारे में बिखेरी हुई थी, मैं उन्हीं को समेट रही हूँ। कई बार उसका मन होता है तो वो समेट के रख देता है, अदरवाइज़ मुझे ही फिर क्लीन करने पड़ते हैं, उसके टॉयज़ उठा के एक साइड पर रखने पड़ते हैं। और ये सारे कपड़े थे जो कि धुलने में जाने वाले थे, तो इनको मैं रख कर आ गई हूँ सामने वाले रूम में, सेकंड रूम जो है मेरा। और अब मैं, डस्टिंग हो चुकी थी मेरी, तो उसके बाद मैंने लगाने लगी थी झाड़ू। और ये मेरी रूम की, मेरे हस्बैंड की स्लीपर हैं, ये बाहर यूज़ में नहीं आती हैं, बाहर इनको कभी पहन कर नहीं जाते हैं, वो बाहर की स्लीपर उनकी अलग हैं, तो ये सिर्फ रूम की, हमारे फ्लोर की लिए ही हैं।
मेरे सभी काम कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में मेरे देवर आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको कई बार इन्हें वीडियो में भी दिखाया होगा। तो आज संडे था तो इनकी छुट्टी थी, तो ये आ गए थे और ये लेकर आए थे हमारे लिए गोलगप्पे। जैसे कि मैं मेडिसिन्स वगैरह खा रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं खा पा रही थी ऐसी चीज़ें। मन करता है हालांकि, बट मैं नहीं खा रही थी, अवॉइड कर रही थी इन चीज़ों को। तो लेकर आए थे मेरे देवर वे हमारे लिए, तो हमने फिर और काफ़ी सारे वो लेकर आए थे। ये देखें कितने सारे हैं, पूरा बाउल भर गया था और दो बाउल भर के उसमें पानी था, जो कि एक में मैंने खट्टा पानी रखा था और ये देखें एक में मैंने सौंठ वगैरह डाल के मीठा करा था, क्योंकि ज़्यादा खट्टा पानी मैं नहीं पीती हूँ। और गोलगप्पे भी वो मेरी पसंद के ही लेकर आए थे, जैसे कि मुझे सूजी के पसंद है, मुझे आटे वाले गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, तो सूजी वाले गोलगप्पे वो लेकर आए थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ये गोलगप्पे। और मेरा बेटा भी कभी इतना अच्छे से खाता नहीं है गोलगप्पे, पानी के साथ तो वो बिल्कुल नहीं खाता, वो सूखे ऐसे ही खाता है, बट इस बार उसने काफ़ी अच्छे से गोलगप्पे खाए थे और हम सभी ने गोलगप्पे इंजॉय किए थे। और मेरे हस्बैंड चले गए थे, जैसे कि मैंने बताया था मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया था, तो वो साइड पर चले गए थे, तो उनके लिए फिर लास्ट में मैंने उनके लिए बचा के रखे थे, और फिर वो शाम में आए थे तब मैंने उन्हें दिए थे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे। और पानी वगैरह भी मैंने उनके लिए बचा के रखा था सारी चीज़ें। और वैसे वो अब इस टाइम नहीं थे, बट गोलगप्पों को देख के कंट्रोल नहीं होता है, तो हमने खा लिए थे। और ये देखें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, ये हमारी हो गई थी गोलगप्पा पार्टी। उसके बाद में मैंने बनाया था खाना, दाल चावल मैंने बनाए थे, काली वाली मसूर की मैंने दाल बनाई थी, और ये बासमती राइस मैंने बनाए थे, और मेरी अरवी रखी हुई थी, अरवी की सब्ज़ी, रोटियां मैंने बना ली थी। जैसे कि मेरे बेटे को कम पसंद है, चावल वगैरह नहीं खाता है वो, तो मैंने उसके लिए रोटियां वगैरह बना दी थी। थोड़ी सी मैंने सैलेड बनाई थी, ये देखें अरवियाँ हैं, एक प्लेट में मैंने अरवियाँ कर ली थी, अरवी की सब्ज़ी, और थोड़ी सी मैंने सैलेड बनाई थी जो कि विनेगर, और ये कभी शेयर करूंगी मैं आपके साथ सैलेड ये कैसे बनाई थी। उसके बाद में हम खाने लगे थे खाना, मैंने और मेरे देवर ने एक साथ खाना खाया था, क्योंकि मुझे खाने थे चावल, मैं भी चावल बहुत शौक से खाती हूँ, दाल चावल, और मेरे बेटे को बिल्कुल चावल बहुत कम वो खाता है, बहुत कम, तो उसके लिए मैंने रोटियां बनाई थी, तो उसको मैंने सब्जी के साथ रोटियां बना दी थी, तो वो उसी से खाना खा रहा है। मुझे हाथ से खाना पसंद है चावल, मुझे स्पून से नहीं अच्छा लगता है, मुझे स्पून से टेस्ट नहीं आता है, तो मैं हाथ से ही खाती हूँ। फिर मुझे हाथ से ही खाना पसंद है, मुझे हाथ से ही टेस्ट आता है खाने में, तो इसलिए मैं स्पून का यूज़ नहीं करती हूँ। अभी हमने खाना फिनिश कर लिया था, खाना लंच हो गया था हमारा, और इसके बाद में मैं यहाँ से समेटने लगी हूँ, बर्तन वगैरह डिश वगैरह उठाने लगी थी यहाँ से, और ये मैंने अचार भी रखा हुआ था खाने में, जो कि मेरे देवर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उसके बाद में मैंने चाय बना ली थी 2 कप, जैसे कि मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, तो ये वाली चाय मैंने अपने बेटे को दे दी थी, आधी थोड़ी सी चाय मैंने ली थी। और ये देखें इतने सारे बर्तन फिर से इकट्ठा हो गए थे, जो कि मुझे बाद में वॉश करने थे, और ये मैंने अचार थोड़ा सा पैक किया था उनको ले जाने के लिए अपने साथ, उनको अचार बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ का, तो मैंने थोड़ा सा अचार भिजवाया था उनके लिए। और अब जा चुके थे मेरे देवर, तो मैंने फिर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी, ये बर्तन वगैरह जितने भी थे उसको वॉश करने लगी थी अच्छे से, और काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। बर्तन इतने सारे इकट्ठा करके मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए उनके जाते ही मैंने फ़ौरन से सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, और बर्तन वॉश करने के बाद ही किचन एकदम क्लीन लगती है, सारा गैस वगैरह मैंने सब क्लीन करना था, तो सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो ये देखें बर्तन मेरे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। उसके बाद में मुझे ये टॉप काउंटर क्लीन करना था, और जितने भी मेरे डिशेस थे उनको मैंने वापस से रख दिया था, सुखाने के बाद अच्छे से ड्राई करने के बाद वापस से रख दिया था। और उसके बाद में मुझे किचन क्लीन करनी थी, तो उसके बाद में टॉप काउंटर मैंने क्लीन कर लिया है, और फिर सिंक को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, ये देखें
और ये मेरा किचन हो चुका है ऑलमोस्ट क्लीन। तो अब मेरा शाम का खाना रहता है बनाने के लिए। अभी दोपहर का मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, तो ये देखिए मेरा किचन हो गया था एकदम नीट एंड क्लीन। अगर आज की वीडियो आपको मेरी ये पसंद आई तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।